लोमड़ी और बकरी। एक बार अंधेरे में लोमड़ी घूम रही थी। एक कुएं में जा गिरी। सारी कोशिश की लेकिन निकल न सकी। कोई विकल्प ना होने के कारण वो सुबह तक वहीं रही। दूसरे दिन एक बकरी वहां आई और गर्दन नीचे करके लोमड़ी को देखा और बोली, तुम वहां क्या कर रही हो? चतुर लोमड़ी बोली, मैं तो पानी पीने आई थी और बहुत ही स्वादिष्ट पानी है इसका। आओ आओ, तुम भी पी कर देखो। बिना सोचे समझे बकरी ने छलांग लगा दी। और पानी पीने के बाद निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। लोमड़ी बोली, मेरे पास एक रास्ता है, तुम अपने पांव पे खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाऊंगी, फिर तुम्हारे भी बाहर आने का रास्ता बनाऊंगी। बुद्धू बकरी झांसे में आ गई और लोमड़ी बाहर निकल गई। लोमड़ी ने बाहर निकलकर बकरी से कहा, यदि तुम्हारे अंदर बुद्धि होती तो तुम कभी इस कुएं में छलांग नहीं मारती, वो भी बिना वापसी का रास्ता जाने। कहानी का सार, पहले देखो, फिर परखो, फिर जांचो, तब कुछ करो। गिरता हुआ आसमान। एक दिन एक मुर्गा मैदान में बैठा अपना शरीर खुजा रहा था। भोजन की खोज थी, अचानक कुछ उसके सर पे आ गिरा। अरे भगवान, आसमान गिरने वाला है, चलो राजा जी को बताते हैं। मुर्गा जा ही रहा था कि उसे एक बोगला मिला। इतनी जल्दी किधर है भाई? मुर्गा बोला, आसमान गिरने वाला है, मैं राजा जी को बताने जा रहा हूं। बोगला बोला, अच्छा मैं भी आता हूं। दोनों सरपट तेजी से भागे और रास्ते में खरगोश मिला। अरे किधर जा रहे हो? मुर्गा बोला, हम लोग राजा जी को आसमान के गिरने की सूचना देने जा रहे हैं। जल्दी चलो जल्दी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चलो चलो जल्दी चलो। खरगोश बोला, अच्छा अच्छा मैं भी चलता हूं। बोगला, मुर्गा, खरगोश तीनों राजा जी के महल की ओर कूच कर गए। रास्ते में बिल्ली मिली। इतनी जल्दी जल्दी किधर जा रहे हैं? मुर्गा बोला, अरे पगली, आसमान गिरने वाला है, हम लोग राजा जी को ये बताने जा रहे हैं। बिल्ली बोली, अरे 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 रुको रुको रुको, मैं भी आती हूं। मुर्गा, बोगला, खरगोश और बिल्ली सब राजा जी के महल की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगे। रास्ते में भेड़ मिला। अरे किधर इतनी जल्दी में तुम लोग भाग रहे हो? अरे तुझे पता है आसमान गिरने वाला है,
और हम लोग राजा जी को ये बताने जा रहे हैं। भेड़ बोला, मैं भी आता हूँ तुम लोगों के साथ। मुर्गा, बोगला, खरगोश, बिल्ली और भेड़ सब राजा जी से मिलने निकले और रास्ते में उन्हें भेड़िया मिला। भेड़िया, अरे इतनी जल्दी में कहां भागे जा रहे हो सबके सब? मुर्गा बोला, अरे अरे हम लोग राजा जी को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिरने वाला है। भेड़िया बोला, अरे ये बात तो बहुत जरूरी है, मैं भी आता हूं तुम लोगों के साथ और तुम लोगों को एक छोटा रास्ता बताता हूं जिससे तुम लोग जल्दी पहुंच जाओगे। भेड़िया आगे आगे और बाकी सब पीछे पीछे और भेड़िया उन्हें एक गुफा में ले गया। जहां उसकी पत्नी भोजन के लिए इंतजार कर रही थी। सबसे अंत में मुर्गा अंदर गया। तब तक खरगोश, बिल्ली, भेड़, बोगला सब भेड़िया और उसकी पत्नी का भोजन बन चुके थे। मुर्गा बच के भागा और खुद से बोला, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आसमान गिरने वाला है। शेर की खाल में गधा। बड़े दिनों पहले की बात है, एक गधा था। उसने अपने आप को शेर की खाल में ढांप लिया। बाकी लोग उससे डरने लगे, सोचा कि गधा असली शेर है। गधा निडर होकर सारे जंगल में घूमने लगा। एक दिन गधे को तेज छींक आई और शेर की खाल उसके बदन से उड़ गई। उसकी पोल सबके सामने खुल गई। सारे लोग बोले, अरे हम तो इसे शेर समझते थे, ये तो गधा निकला। गधे को गांव से बाहर निकाल दिया गया।